हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक पाइथन का है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग की। तो काफी बड़ा टॉपिक है और एक एक करके चीजों को हम समझते चले जाएंगे, लाइन वाइज वीडियोस बनाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि पाइथन शेल क्या होती है। कल जब मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा था तो बच्चों ने पूछा कि ये शेल क्या होती है। एक्चुअली उस समय इंस्टॉल नहीं था सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो मैंने उन्हें समझाया कि पाइथन की शेल वो होती है जब हम पाइथन की आइडियली ओपन करते हैं तो पहला पेज जो ओपन होता है वही पाइथन की शेल होती है। और काम क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने आइडियली पर उसको रन करवाते हैं तो वो एक्चुअली पाइथन शेल पर आ जाती है। तो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको कैसे ये होगा, ठीक है। सबसे पहले पाइथन ओपन करता हूं, तो यहां से ओपन किया मैंने पाइथन, ये देखिए इसे पाइथन किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं हेलो, ये लिख दिया हमने और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हेलो वर्ड हमने लिख दिया है, लेकिन ये ऐसे प्रिंट होकर नहीं आएगा, ठीक है। हमें इसे सिंगल रोटेड कॉमा या डबल रोटेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने सिंगल रोटेड कॉमा और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम पाइथन की शेल कहते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं, यहां से चलते हैं फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं और अब एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें लिख देता हूं मैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी स्ट्रिंग की बात हो रही है, द साइन इन कंप्यूटर, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें कई सारे कैरेक्टर है, ठीक है। और यहां पे लिख दिया एट लास्ट सेंटर, ओके, और इसे क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। आप यहां से आप एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पर इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पे लिख दीजिए प्रिंट, ठीक है। और ये गलती आप मत कीजिएगा, यहां पे डबल इंटेड कोर्स में जब आप लिखिएगा तो ये ए प्रिंट करके दे देगा, आपको डबल इंटेड कोर्स नहीं लगाना है। जैसे इसको मैं सेव कर रहा हूं, आपको दिखा भी देता हूं, यहां से सेव किया हमने और इसे मैं सेव करता हूं str.py लगाना जरूरी, ये पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से रन पे जाकर के और इसे रन करवा देते हैं, तो जैसे ही रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ए प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख रहे हैं ये ए प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो ए ना प्रिंट होकर आए, हमने जो दिया है वो प्रिंट होकर आए। इसके लिए जरूरी है कि आप ये डबल इंटेड कोट्स या सिंगल इंटेड कोट्स जो भी लगा रहे हैं ये हटा दीजिए, ठीक है, ये हटा दिया। अब ये जो है द शाइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये प्रिंट करके देगा, तो इसे सेव कर देता हूँ और फिर इसे रन करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द शाइन इन कंप्यूटर सेंटर ये प्रिंट होकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम मल्टी स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो मल्टी स्ट्रिंग क्या होता है और इसे कैसे हम ये करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। मल्टी स्ट्रिंग यानी कि एक दो तीन चार लाइन हमें लिखनी है, तो इस तरह की चीजें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए द साइन इन कंप्यूटर सेंटर ये लिखा हमने और एंटर प्रेस कर दिया और यहां पर क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ओके, ये लिख दिया हमने। नीचे आता हूं, यहां लिख देता हूं पिन, ठीक है। तो पिन लिखा हमने, पिन 274001, ये लिख दिया हमने। इतनी सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब ये मल्टी स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन बार आपको डबल इंटेड कोट्स या सिंगल इंटेड कोट्स देना है, ठीक है। मैंने यहाँ एक दिया, फिर दो दिया, फिर तीन दिया, यहाँ पे दे दिया, अब ये सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी तीन इन्वर्टेड कोट्स क्लोज होंगे। अब ये देखिए, अब जब हमने इतना लिखा है तो अब ये पूरा का पूरा प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे देखिए सेव पे क्लिक किया और यहाँ से रन पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंट होकर देगा, उसी क्रम में प्रिंट होकर देगा, ठीक है। अगर आप कुछ चीजें नीचे पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहीं पे रखेंगे और यहां से अब इसको सेव करता हूं। तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है, तो यहां पे देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश भी अब इसमें आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम स्लाइसिंग सीखते हैं, स्लाइसिंग को लेकर के एक छोटी सी वीडियो मैंने क्रिएट की थी, ठीक है। चलिए ये सीखते हैं स्लाइसिंग क्या होता है स्ट्रिंग में। अच्छा ये बताइए स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस का मतलब होता है काटना, ठीक है, स्लाइस, ठीक है, स्लाइस से ही रिलेटेड है ये स्लाइसिंग। तो चलिए यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं, यहां पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूं, कमेंट करने के लिए ये इस तरह से हम लिख देते हैं, इसको भी, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। कमेंट का मतलब ये हो गया कि ये प्रिंट होकर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर भी कमेंट कर देता हूं इसे और यहां पर भी इसे कमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो ये कमेंट कर दिया हमने, अब यहां पर नीचे आ जाता हूं मैं, यहां पर हम वो चीजें लिखेंगे, ठीक है, जो स्लाइसिंग का जो प्रोग्राम है यहां पे लिखेंगे। तो यहां b लिखता हूं, b इज इक्वल टू, b में क्या असाइन करवा रहा हूं, मैं लिखता हूं सूरज सर, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया सूरज सर, बीच में गैप भी है ये बात ध्यान दीजिएगा। एंटर प्रेस करता हूं, अब इसमें एरे का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये प्रिंट लिखा हमने
और क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम बी को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, और स्लाइसिंग करके प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एरे का सिंबल होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, आपको याद है हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था। अब यहां पे अगर मैं लिख देता हूं 2, 3, ये मतलब कोलन लगा दिया और 3 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट नहीं बल्कि कोलन, कोलन कहेंगे इसे। अब ये हमने कर दिया इतना, ठीक है, और अब इसको सेव कर रहा हूं, तो यहां से जाके इसे सेव पे करता हूं क्लिक, तो ये सेव हो गया। अब इसको रन करवाता हूं, तो ये देखिए यहां पे R प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है, R यानी कि यहां पे देख सकते हैं 2 और 3, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये प्रिंट होकर R आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा R है, ये R जो है ये वाला R है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2:4 कर देता हूं तब क्या होगा, यहां पे देखिए इसे सेव करता हूं और फिर यहां पे रन कर देता हूं इसे, तो देख सकते हैं आर ए, ये जो आर ए आ रहा है ये कौन सा आर ए है, ये वाला आर ए है, ठीक है। यहां जैसे ही मैंने 4 किया तो यहां आर के साथ साथ ए भी आना चालू हो गया, ठीक है, हमने स्लाइसिंग करी है, दैट्स वाई, ठीक है। अब यहां पे देखिए एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, 1, 2, तो हमने यहां 2 ही तो दिया है, ये देखिए यहां पे 2 दिया है ना, तो 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रन करवा देता हूं, यहां पे साइड में रिजल्ट भी दिखता रहेगा, तो यहां 2 से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है, और 4, तो यहां पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, यहां पे 4 आ रहा है ना, ये 4 आ रहा है कि नहीं, अच्छा एंड वाला यहां से काउंट करिए 1, 2, 3 और ये गैप 4, ठीक है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 के बाद क्या है, आर ए ही तो है, ये आर ए दोनों को इस तरह से करके ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देखा स्लाइसिंग कैसे करी जाती है, लेकिन अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब सूरज सर हमने जो लिखा हुआ है, अब मैं यहां क्या करता हूं, यहां पे ये 2 हटा देता हूं, ठीक है, ये 2 हटा दिया हमने, और डायरेक्टली मैं कोलन लगा करके 4 लिख देता हूं। अब यानी 0 से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4 यानी जे, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसे सेव कर रहा हूं और यहां से इसे रन करवा रहा हूं, तो यहां देख रहे हैं कहां तक आ रहा है, ये जे को छोड़ करके बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जा रही हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से हमने कर दी इसकी स्लाइसिंग, ठीक है। अब देखिए, अब हम एंड से स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, एंड से स्लाइसिंग कैसे करेंगे, एंड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड टू एंड स्लाइसिंग करने के लिए यहां पर स्टार्ट वाला दे देना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पे दे देते हैं 0, ठीक है, मैं 0 देके दिखाता हूं आपको, ये यहां पे 0 दे दिया हमने और 0 से स्टार्ट होगा, मतलब एंड टू एंड स्लाइसिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे ओके प्रेस किया तो यानी सूरज सर पूरा प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है, एंड टू एंड स्लाइसिंग इसी को तो कहते हैं। यहां पे देखिए एंड तक आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं यहां पे 1 दे देता हूं तो क्या होगा, एस को छोड़ करके प्रिंट करेगा, ठीक है, यहां पे 1 दे दिया हमने, ठीक है, अब एस को छोड़ देगा ये। अब ये देखिए यहां पे ओके किया, अब देखिए यहां पे यू आर ए जे सर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर 2 कर दूंगा तो क्या होगा, तो फिर एक कैरेक्टर छोड़ करके ये प्रिंट करेगा, एक और कैरेक्टर छोड़ देगा उसमें से, ठीक है। इसको सेव किया हमने और यहां से जाकर के और फिर इस पर क्लिक किया, तो ये देखिए राज सर आ रहा है, ठीक है, सूरज एस यू हट गया और राज सर रह गया केवल, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं इसमें, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, आइए चलिए उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है बी इज इक्वल टू सूरज सर, ये लिखा है ना, अब इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। यहां हमने लिखा है बी, यहां पे कर देता हूं -2, ठीक है। आप जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, ये तो आपको बात पता ही है, तो यहां पे हमने कर दिया -2 और फिर कोलन लगाया और यहां पे कर देता हूं -4, ठीक है, ये कर दिया हमने और अब इसको सेव करता हूं, यहां से सेव कर दिया। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहां से इसे रन करवा देता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे -2 और -4 जब मैंने किया है तो यहां पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर यहां पे मैं -5 कर देता हूं और यहां पे -2 कर देता हूं या -1 कर देता हूं तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आइए देखते हैं, ये देख सकते हैं यहां पे जाएंगे और अब तो यहां पे देख सकते हैं -5 to -1 यानी कि पीछे से चलते हुए आगे की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, जे और एस आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ओके। अब बात कर लेते हैं अपर केस की, ठीक है, टॉपिक काफी बड़ा है तो अपर केस की अब बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सूरज सर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी पे मैं ले लेता हूं। और यहां पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं बी, ठीक है, डॉट। अब क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा अपर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, अपर सी दे दिया हमने और ये इस तरह से ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया। ये देख सकते हैं सूरज सर में एस कैपिटल है और यहां पर बीच में मैं क्या करता हूं, गैप के बजाय यहां कॉमा दे देता हूं, ठीक है, और यहां से अब इसे सेव कर लेता हूं। तो ये सेव कर लिया हमने और यहां पर रन पे जाके इसे रन करवा दिया। तो ये देख सकते हैं जैसे हमने दिया था वो सारी की सारी कैरेक्टर्स जो कि पहला अक्षर कैपिटल था और बाकी सब स्मॉल था, यानी सेंटेंस के इसमें लिखा हुआ था, वो अब पूरा ही किस में आ रहा है, अपर केस में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अपर केस के बाद एक और चीज बात कर लेते हैं, वो है लोअर केस। तो लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस में बस आपको यहां पे मैं पहले पूरा अपर केस कर देता हूं, ये जो कैरेक्टर सूरज सर लिखा है इसे मैं पूरा अपर केस में लिख देता हूं। तो ये अपर केस में लिख दिया हमने और अब यहां पे लोअर केस में इसे करना है। तो बी डॉट यहां पे क्या करना है, लोअर, ये हमने लोअर लिख दिया और अब इसको सेव करता हूं और अब इसको रन करवाता हूं यहां से। तो ये देख सकते हैं सबका सब लोअर केस में प्रिंट होकर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप यहां पे, ये देखिए ये सबका सब लोअर केस में प्रिंट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि स्ट्रिंग की ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। आगे की वीडियोस के लिए कंटिन्यू करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।